आज हम बनाने जा रहे हैं ग्वार की सब्जी, ग्वार फली सिंधी स्टाइल। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नीता परवेज। उम्मीद करती हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूं वो लेकर आई हूं ग्वार फली। ठीक है जी, ये देखें ग्वार की फली मैंने ले ली है, आधा किलो है। इसको मैंने धो के खुश कर लिया। ठीक है जी, पिसी हुई मिर्ची मैंने ले ली है एक चम्मच, हल्दी पाउडर ले लिया है मैंने आधा चम्मच, नमक मैंने ले लिया है आधा चम्मच, फिर भी आप अपने हिसाब से डालिएगा। ठीक है जी, हरी मिर्ची मैंने ले ली है 6 से 7 हरी मिर्ची मैंने ले ली है, और लहसुन की जवे मैंने ले ली है 10 से 15। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी बनाने की तरफ। पहले हम इसको रख देंगे बॉयल करने के लिए। ग्वार को हम एक देगची में डाल के उसमें पानी डाल देंगे 1 से 1.5 जग, और इसका हम रख देंगे बॉयल करने के लिए। पानी मैंने इसमें डाल दिया है, 1 जग मैंने इसमें पानी डाला है, इसको हम बॉयल करने के लिए रख देंगे। ठीक है जी, इसको ढक देंगे और 10 मिनट तक इसको बॉयल होने देंगे। ठीक है, ये अच्छे से बॉयल हो रही है अभी, अभी थोड़ी सी कच्ची और है, 10 मिनट तक हम इसको और छोड़ देते हैं, 10 मिनट के बाद फिर इसको देखते हैं। बॉयल हो गई अच्छे से, मैंने इसको निकाल लिया है, इसका गर्म पानी फेंक दिया, इसमें थोड़ा ठंडा पानी डाल दिया है, ये देखिए ये कैसे अच्छे से गल गई। ठीक है जी, अब हम इसकी तार निकाल देंगे, ये देखें, ये एक पीस पकड़ के ये हम यूँ खींचेंगे, ये एक तार निकल गया, दूसरे साइड से इसका दूसरा तार निकाल देंगे। ठीक है जी, दोबारा से देख लें, ये पकड़ के ये हमने एक तार निकाल लिया, यहाँ से दूसरा पकड़ के ये तार। ठीक है जी, ऐसे मैं सारे तार निकाल लेती हूँ इनके। ठीक है जी, देखिए इसके मैंने सबके उतार लिए अच्छे से, दोनों साइड से इसके तार निकाल लिए, अब ये देखें फुल जैसे गए। अब इनको मैं इमाम दस्ता, उसका डंडा है उससे मैं कूट लूँगी थोड़ा। देखें ये अच्छे से मोटा मोटा मैंने कूट लिया, मोटा मोटा तो ये कूट गया। अब हम चलते हैं बनाने की रेसिपी बनाने की। मैंने गर्म पे रख दी थी, इसमें आधा कप हम तेल डाल देंगे। सब्जी है बहुत ज़बरदस्ती बनती है, ये लहसुन तो मैंने कूट लिया है, ये पूरा कूटा हुआ लहसुन इसमें डाल देंगे। ज़बरदस्ती ये सब्ज़ी बनती है, ये सिंधी स्टाइल है ग्वार की सब्ज़ी बनाने का। इंशाल्लाह दूसरी रेसिपी में मैं और 2-3 तरीके से बताऊंगी आपको किस तरीके से बनती है। इसको हम लहसुन को लाल कर लेंगे हल्का सा, ये लहसुन को मैंने कूट लिया था, याद रखिएगा काटा नहीं है पीसा नहीं है कूटा है, मीन्स मोटा मोटा सा। ठीक है जी, ये देखिए ब्राउन होने लगा है, यहाँ इसकी ये देखें इतना लाल हो गया। यहाँ पे हम सारी द्वार कर सब्जी डाल देंगे, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्ती आ रही है, इनके लहसुन का बघार दिया है इसके अंदर। बहुत आसान सी रेसिपी, बहुत ज़बरदस्त बहुत टेस्टी बनती है। इसमें मैंने कोई टमाटर नहीं डाले, कोई दही नहीं डाला है, सिर्फ लहसुन का बघार लगाया है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे, इसे अच्छे से कस लिया है हमने। लाल मिर्ची किसी भी लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है और नमक। हरी मिर्ची मैंने काट ली है, 2 हरी मिर्ची साबुत डाल दूंगी, 6 से 7 हरी मिर्ची थी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्ती आ रही है।
थोड़ा सा भून लूंगी मैं इसको मसाले के साथ। इसको हम यहाँ पे थोड़ी देर 5 मिनट के लिए, 5 से 3 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देंगे। ऊपर आ गया माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है, ट्राई ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पर मैं इमली का पानी ले लिया है, 10 से 12 इमली के दाने थे जिसका मैंने पानी निकाल लिया, ये पानी डाल देंगे हम। याद रखिएगा कोई टमाटर नहीं डालने मैंने, ये सिंधी स्टाइल है। इसकी 2-3 रेसिपियाँ और हैं इंशाल्लाह, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पर हम इसको दम पे रख देंगे। इमली का पानी हमने इसमें डाल दिया है, कम से कम इसको 3 से 4 मिनट दम पे रख हो चुके हैं। इमली डाल के हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो इसमें कड़वापन आ जाएगा। 3 मिनट तक मैंने इसको पकाया था कि देखें कितना ज़बरदस्त सा हो रहा है, तेल इसका सब ऊपर आ गया है, माशाल्लाह खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। बिल्कुल तैयार है, झटपट तैयार हो गई है हमारी गंवार की सब्ज़ी। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ज़बरदस्ती रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है, देखें बहुत टेस्टी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और जो पहले व्यूवर्स हैं मेरे वो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरी आने वाली और पिछली तमाम रेसिपी आपको बआसानी मिल सके। ठीक है जी, दिली दुआओं के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ, बहुत नयात बहुत आसान तरीके वाली लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। निदा परवेज़ को इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।